आज की वीडियो में हम बात करेंगे पासपोर्ट के लिए अप्लाई ऑनलाइन कैसे करें और जानेंगे पासपोर्ट ऑनलाइन करने का पूरा प्रोसेस, पासपोर्ट अप्लाई करने की सभी जानकारी बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही वीडियो को आराम से सभी जानकारी बहुत ही आराम से बताई गई है। आप इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी जानकारी बारीकी से बिल्कुल वीडियो में आराम से बताई गई है। और साथ में जानेंगे अगर पेटीएम पेमेंट जब पे करते हैं तो उसमें सक्सेस नहीं दिखाई देता, उसको सक्सेस किस तरह से करना है वो भी उसके बारे में जानकारी देंगे। चलिए बने रहें इस वीडियो में। मेरा नाम है रविंदर, मैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएससी ऑनलाइन नॉलेज। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर वीडियो अंत तक देखना उसके बाद पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। चलिए कर चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर या अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर में गूगल पर सर्च करेंगे पासपोर्ट सेवा। सर्च करने के बाद आपको सबसे ऊपर वाली वेबसाइट मिलेगी passportindia.gov.in, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रखा होगा और एक यूजर लॉगिन का। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा तो आप लॉगिन करेंगे और नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके पास में हो या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको सहूलियत हो। फिर जहां गिव नेम दे रखा है आपको यहां फर्स्ट नेम डाल देना है और जहां आपको सरनेम दे रखा है वहां पर आपको सरनेम डालना है। जैसे किसी का सरनेम होता है सिंह, कुमार या शर्मा, कुछ भी हो सकता है सरनेम, आपको वहाँ सरनेम डाल देना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, ईमेल आईडी जो वैलिड ईमेल आईडी हो वही फिल करनी है। जो ईमेल आईडी आपकी एक्टिव हो वही ईमेल आईडी फिल करें। फिर आपको लॉगिन आईडी बना लेनी है। लॉगिन आईडी बनाने के लिए आप यहाँ पे अपना नाम और @ कुछ भी डाल सकते हैं आगे, जो आपको जन्मतिथि हो, जो भी कुछ भी डालना हो वो फिल कर सकते हैं और पासवर्ड फिल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। फिर कंफर्म पासवर्ड क्लिक फिल कर देना है। फिर आपको हिंट क्वेश्चन आप इनमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन सही लगे वो सेलेक्ट कर लेना है, उसका आंसर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको कैप्चर कोड फिल कर देना है और लॉगिन आईडी आप चेक करना है कि आपकी लॉगिन आईडी अवेलेबल है या नहीं। आपको जिस तरह से हमने फिल किया है उस तरह से आप यहाँ से फिल करके और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हाँ अवेलेबल है। अवेलेबल है तो ग्रीन कलर का आ जाएगा, नहीं है तो रेड कलर का आ जाएगा। आप फिर से कोई शुरू से आईडी बना सकते हैं। फिर आपको नीचे रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देना है। जो आपने अभी ईमेल आईडी डाली थी उस पर ईमेल आईडी पर एक एसएमएस गया होगा, एक लिंक गया होगा जहां से उसको वेरीफाई करना होगा। चलिए दिखा देते हैं वो किस तरह का एसएमएस है। इस तरह का मैसेज आया होगा, लिखा हुआ होगा कंग्रेचुलेशंस यू हैव रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली पासपोर्ट सेवा। आपको इस तरह का एक लिंक आया हुआ मेल पे। आप अपने फ़ोन में अगर ओपन है तो वहाँ से फ़ोन से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने कंप्यूटर में भी खोल के कर सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नया स्टेप इस तरह का आएगा जिसमें आपको एंटर यूजर आईडी फिल करने को आएगी। जो एंटर यूजर आईडी आपने फिल करी थी पीछे, आपने यूजर आईडी जो बनाई थी जो ग्रीन से कलर में आ रखी थी वो आपको यहाँ फिल कर देनी है। फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको अगला नेक्स्ट स्टेप पर ये लिखा हुआ जाएगा योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिव सक्सेसफुली। यहाँ से आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है। आप फिर पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यो आपने लॉगिन आईडी बना दी, फिर से वहीं पे एक लॉगिन आईडी फिल करनी है। लॉगिन करने के लिए लॉगिन आईडी फिल कर देंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने जो पासवर्ड फिल किया था तो पासवर्ड फिल कर देना है यहाँ पे। फिर कैप्चर कोड फिल कर देंगे। फिर लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक तरफ ऊपर ग्रीन से कलर में आपकी लॉगिन आईडी आ जाएगी। आपका यहाँ से पोर्टल खुलकर आ जाएगा। आप यहाँ से अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट ऑप्शन दिखा रखा हुआ, ये अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपको नीचे ये ब्लू कलर में क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है अपना, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको फ्रेश पासपोर्ट बनाना है या री इशू कराना है। अगर आपका पासपोर्ट पहले से ही बना है तो दोबारा री इशू कराना है तो री इशू पे क्लिक करना है। आपको फ्रेश बनाना है तो फ्रेश पे, 36 पेज का चाहिए 60 पेज का चाहिए वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको तत्काल चाहिए तुरंत चाहिए तो उसकी फ़ीस अलग से कटती है, उसको तत्काल को सेलेक्ट कर लें। हमें तत्काल नहीं बनाना, खाली नॉर्मल बनाना है, तो हमने नॉर्मल पर सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट टैब में आपको गिव नेम में फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है, सरनेम में आपको सरनेम सेलेक्ट कर देना है, फिर अपना जेंडर फिल कर देना है, फिर डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, और आपको यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ में अपना जो सिटी का नाम हो, शहर जो आपका गांव का नाम, शहर का नाम हो वहाँ पर फिल कर देना है। अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, फिर मटेरियल स्टेटस सेलेक्ट करना है, शादीशुदा है या अनमेरिड है, सिंगल है, वो फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको बर्थ भी क्लिक कर लेना होने देना है। फिर आपको पैन नंबर फिल कर देना है। पैन नंबर फिल करने के बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद आपको यहाँ दे रखा होगा नॉन ECR कैटेगरी। अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर आपने हाई स्कूल नहीं कर रखा है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। नॉन ECR में वही लोग आते हैं जिसने हाई स्कूल पास कर रखा है। फिर आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद सेव एंड डिटेल्स पे क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फैमिली की डिटेल्स भरनी आएंगी, वो फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करने को बोलेगा, आपका जो कंप्लीट एड्रेस है वो फिल कर देना है। फिर सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर फिल करने हैं और एड्रेस फिल करना है। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अपना घर का भी दे सकते हैं या कोई दोस्त दोस्त हो उनका भी दे सकते हैं। यहाँ पर एमरजेंसी कॉन्टैक्ट में अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस, जो एमरजेंसी जिससे एमरजेंसी में कॉन्टैक्ट हो सके या बात हो सके, वो उनका एड्रेस और उनके फ़ोन नंबर फिल करने के बाद आपको अगला ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल्स। इसमें आपको डिटेल्स नॉट अवेलेबल पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ अप्लाई फॉर पासपोर्ट बट नॉट इश्यू पे नो पे क्लिक कर देना है। इस पर फिर सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर सब में यहाँ नो कर देना है। बस इसमें यही पूछा गया है आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई तो नहीं चल रही है, आपके खिलाफ़ कोई कोर्ट केस तो नहीं है कोई। सभी में नो करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर जो आपने पूरी डिटेल्स फिल करी है अभी, सभी कुछ फिल करा है, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। फिर उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्रूफ ऑफ बर्थ में आप अपना यहाँ पैन कार्ड भी फिल कर सकते हैं, आधार कार्ड भी, और आपने हाई स्कूल कर रखा है तो अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट भी फिल कर सकते हैं। अब जो भी फिल करना है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और प्लेस यहाँ से अपना सिटी का नाम डाल सकते हैं या विलेज का नाम डाल सकते हैं। फिर सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। सबमिट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपका पेमेंट कटेगा और आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी, आपको किस तारीख में पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो अवेलेबल डेट हैं वो दिखा रखी हैं अवेलेबल डेट, और जो नॉट अवेलेबल है वो नीचे दिखा रखे हैं नॉट अवेलेबल। आपको यहाँ से एक कोई जो आपकी पास की डेट हो, जो आप जो लेना चाहते हैं, जो अवेलेबल डेट लेना चाहते हैं, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और जिस भी एरिया में लेना चाहते हैं वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप जिस भी लोकेशन पर जो सी डेट लेना चाहते हैं वहाँ से लोकेशन पर उस लोकेशन का नाम फिल कर देंगे। और यहाँ कैप्चर कोड को फिल कर देना है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो ग्रीन कलर में है यहाँ से आप डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं
और जो आपने डेट ली है वो भी ले सकते हैं। जो रेड कलर में वो आपको डेट नहीं मिलेंगी, जो ग्रीन कलर में वो डेट सेलेक्ट करके पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको पेमेंट पोर्टल पर आ जाओगे, जिसमें से आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कटा सकते हैं। चलिए पेमेंट फिल कर देते हैं। पेमेंट हम UPI से पेमेंट कटाएंगे, जिसमें से आपको एक QR कोड बार कोड मिल जाएगा, इसको स्कैन करके आप पेमेंट भी कटा सकते हैं। थोड़ा वेट कर लेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको यूजर लॉगिन पे क्लिक करना है, फिर अपनी लॉगिन आईडी फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपको फिर से आपका पोर्टल खुल कर आ जाएगा, आपने अभी व्यू सेव पे क्लिक करना है। पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो चुका था, मगर पेमेंट स्टेटस में आप देख सकते हैं यहाँ सक्सेस नहीं लिखा हुआ आ रखा है। तो आप यहाँ ट्रैक पेमेंट स्टेटस में जाएंगे, उस पर जाने के बाद अभी हमारा पेमेंट पेंडिंग में है, मगर यहाँ से क्लिक हेयर टू पेमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सक्सेस देख सकते हैं, यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ आ गया है। आप यहाँ से फिर से अपना व्यू सेव सबमिट्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस, यहाँ से सक्सेस हो चुका है पेमेंट। अगर किसी को पेमेंट सक्सेस नहीं लिखा हुआ रहा है तो आप यहाँ से इस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक करने के बाद आपको यहाँ से जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको अपलोड करना है। एड्रेस प्रूफ में अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी कराकर उस पर सिग्नेचर कराकर उसकी PDF बना लेनी है। PDF बनाकर आपको यहाँ अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप अपना मार्कशीट सेलेक्ट कर सकते हैं या पैन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसने हाई स्कूल किया रखा है वो अपना मार्कशीट सेलेक्ट कर लेंगे, और जिसने हाई स्कूल नहीं किया वो अपना पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के लिए आपको दिखा भी देगा आपका एड्रेस प्रूफ अपलोड हो चुका है और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड हो चुका है। अपलोड करने के बाद आपको फिर बैक आना है। बैक आने के लिए आपको व्यू सेव सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आपको एप्लीकेशन दिखा देगा। आप यहाँ देख सकते हैं अपॉइंटमेंट डेट का ऑप्शन अभी भी फिल नहीं है, एप्लीकेशन की अपॉइंटमेंट डेट अभी तक नहीं आई हुई है। तो इसके लिए आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो अवेलेबल डेट हैं वो अवेलेबल देख सकते हैं, और जिस लोकेशन में अवेलेबल डेट है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। लोकेशन में आपको जो अवेलेबल डेट लेनी है वो लोकेशन यहाँ फिल कर देनी है, फिर कैप्चर कोड फिल कर देंगे। कैप्चर कोड फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देंगे, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। फिर प्रिंट एप्लीकेशन रिसीप्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ सब देख भी सकते हैं आपकी कौन सी डेट बुक हुई है। और उसे क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन रिसीप्ट पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको जो प्रिंट ये प्रिंट कर लेना है, इसके साथ ही आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के एक फ़ोटो लगा के आपको जब जो भी आपने डेट ली है उस डेट को वेरिफिकेशन करा लेना है पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाकर। बस आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।